ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को भयानक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गईं। इन 3 ट्रेनों में एक मालगाड़ी थी जबकि 2 पैसेंजर ट्रेन थी। इस दर्दनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद सब यही जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर इतना बड़ा ट्रेन हादसा कैसे हो गया। इस बीच भारतीय रेलवे के उस कवच सिस्टम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है जिसका रेलवे की तरफ से कुछ समय पहले डेमो दिखाया गया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कवच सिस्टम क्या है और ये कैसे ट्रेन हादसे को रोकता है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन हो चुका है। शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि जिस रूट में ये ट्रेन हादसा हुआ उसमें दरअसल रेलवे का कवच सिस्टम लगा ही नहीं था। अगर ट्रैक में कवच सिस्टम लगा होता तो शायद इतना बड़ा ट्रेन हादसा नहीं होता। अब आखिर ये कवच सिस्टम है क्या? तो आपको बता दें कि कवच सिस्टम रेलवे का एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है। ट्रेन हादसे का शिकार ना हो इसके लिए इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन ट्रैक रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इस सिस्टम में दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए जुड़े रहते हैं। अब आखिर ये तो हो गई कि कवच सिस्टम होता क्या है लेकिन ये काम कैसे करता है? तो आपको बता दें कि अगर कोई लोको पायलट यानी कि ट्रेन का ड्राइवर किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। कवच सिस्टम के एक्टिव होते ही ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचता है। इतना ही नहीं बल्कि कवच सिस्टम ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल भी ले लेता है। अगर कवच सिस्टम को ये पता चले कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को भी रोक देता है। भारतीय रेलवे का कवच सिस्टम जिस ट्रैक और रूट पर लगा होता है वो उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन के मूवमेंट को भी मॉनिटर करता है। आपको आसान भाषा में बताते हैं कि ये सिस्टम तब एक्टिव होता है जब एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आ रही होती है। कवच सिस्टम दोनों ट्रेनों को एक निश्चित दूरी पर रोक देता है। अब आपको बता दें कि इस कवच सिस्टम को भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तैयार किया है। रेलवे के इस कवच सिस्टम पर 2012 में काम शुरू किया गया था। शुरुआती में इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था। रेलवे ने इस कवच सिस्टम को ट्रेन के 0 एक्सीडेंट लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया था। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।